खबर पीलीभीत जनपद से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे। जहां कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर सिटी सेंटर पर दिन दहाड़े बदमाशों ने जनसेवा केंद्र पर दिन दहाड़े 2 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली पूरनपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। एक जनसेवा केंद्र से पैसे छीनने की शिकायत प्राप्त हुई है। तत्काल पुलिस टीमें वहां मौके पर पहुंच गईं और जो प्रारंभिक छानबीन की गई उससे ये पता चला कि जिन लड़कों पर आरोप है वो लड़के पहले से भी कई बार वहां पे पैसा जमा करने और निकालने आ चुके हैं, और ये जिसका जनसेवा केंद्र है वो लोग अच्छी तरह उन्हें जानते पहचानते भी हैं। पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है, जल्दी ही पुलिस उन्हें पकड़ लेगी और पकड़ के पूरी घटना का अंजाम। वहीं जोगराजपुर में बच्चे के नाम संस्कार पर सुंदर झांकियों का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें गांव के लोगों को दावत की व्यवस्था की गई। मनोज गुप्ता पुत्र स्वर्गीय ईश्वर दयाल गुप्ता के पोते के नामकरण पर शिवम गुप्ता नाम रखा गया। शिवम की माता ज्योति गुप्ता, पिता मनोज गुप्ता, ताऊ गणेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। सभी लोगों ने आशीर्वाद देकर शुभकामनाएं दी। पीलीभीत जोगराजपुर से हिकमत शाह के साथ सुनील सक्सेना की रिपोर्ट। I'm gonna go.